Hello, good morning students. Today in 12th class physics, we are continuing our discussion on electromagnetic induction. Electromagnetic induction में बच्चों अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके हैं, a quick revision of what we have already done. हम लोगों ने इसमें ये chapter start किया था इस basis पर कि current के कुछ magnetic effect हैं. Current carrying conductor produces some magnetic field. तो magnetic field भी कुछ करंट जनरेट कर सकता है, ये सोचकर फैराडे ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर जो कंक्लूजन निकला था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, फैराडे ने ये कंक्लूजन दिया था कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट, और ईएमएफ इंड्यूस्ड जो है बच्चों इससे मिलेगा माइनस डी फाई बाई डी टी. तो जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें एक करंट आएगा, और अगर इसके नेगेटिव साइन को देखें तो नेगेटिव साइन गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द डायरेक्शन, और ये क्लियरली डिफाइन किया था किसने, लेंज लॉ ने. और लेंज लॉ ने ये बोला था कि द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज ड्यू टू विच इट इज जनरेटेड. जो भी इंड्यूस्ड करंट किसी कॉइल में आएगा that will oppose the cause due to which it is generated. जिसके कारण ये produce हुआ और जिसके कारण ये produce हुआ उसको ही ये oppose करेगा. फिर अभी हम लोगों ने इसमें ये भी देखा था that this Lenz law is based on law of conservation of energy. तो energy का aspect भी अभी हम लोगों ने इसमें discuss कर लिया था. फिर इसके बाद बच्चों अभी हम लोग जो discuss किए थे, we discuss about motional EMF. So this is the last topic which we discussed, motional EMF. Whenever a conductor is moved in a magnetic field, किसी conductor को अगर आप किसी magnetic field में चलाएंगे, तो उसमें एक induced EMF आएगा, which will be given by this relation. और इसमें B is the magnetic field in which the conductor is moved, L is the length of the conductor, and V is the velocity with which the conductor is moved. And the condition is that this relation holds good when the conductor is moving perpendicular to the direction of magnetic field, है ना? और किसी और direction में अगर move करेगा तो कैसे calculate करेंगे? That will be discussing in the subsequent classes. आज की class अभी हम लोग start कर रहे हैं with what? The charge flowing through a circuit. अब induced EMF अगर आ रहा है, मतलब induced current आएगा, और induced current आएगा मतलब charge flow होगा. तो ये charge का relation अलग से क्यों निकालना है? ये अभी हम लोग इसमें discuss करेंगे. चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. तो अब हम लोगों ने इसमें यह पढ़ा था कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी गिवन बाय डी फाइव बाई डी टी. वी आर नॉट पुटिंग अ माइनस साइन बिकॉज दिस गिव्स यू व्हाट द सेंस ऑफ डायरेक्शन, है ना? तो डायरेक्शन वाला एस्पेक्ट अभी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वाली बच्चों माइनस d5 by dt होती है, we are taking this as d5 by dt, और इसमें करंट I is equal to E divided by R होगा, you know, R is the resistance of the circuit. अब I को अभी हम लोग बच्चों क्या लिख सकते हैं, dq by dt. I को अभी हम लोगों ने dq by dt लिख लिया. अब इसके बाद I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और इसको अभी हम लोग E बाय आर लिख रहे हैं. वी आर राइटिंग दिस एज वॉट, ई बाय आर. अब इसमें E की वैल्यू अभी हम लोग सब्सिट्यूट कर सकते हैं. इसमें E की वैल्यू अगर सब्सटीट्यूट करें तो dq by dt will be equal to E by R, तो ये 1 by R आएगा, और E की वैल्यू कितनी है बच्चों, d5 by dt. तो इससे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, dt और dt कैंसिल हो गया, तो dq will be equal to d5 divided by R. So this is the relation for charge flowing through a circuit. अब हम लोगों ने जो relations ले ली हैं बच्चों, उन सबको compare करेंगे. किस किस को? चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम. चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट ड्यू टू इंड्यूस करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइम. दिस डज
this is just depending on the change in flux and the nature of the circuit or the nature of the coil. Nature of the coil के ऊपर कैसे depend कर रहा है, क्योंकि इसमें अभी हम बोलते हैं resistance वाला term आ रहा है, अगर resistance कम है तो charge जो flow करेगा वो ज्यादा आएगा, और अगर इसमें resistance ज्यादा है तो अभी हम लोग बोलेंगे चार्ज इसमें कम फ्लो करेगा, है ना। अब इसमें अच्छे सुनना, हम लोग इन तीनों चीजों को कंपेयर करेंगे, किसको, एक तो ई को, तो ये फाइनल रिलेशन आ गया बच्चों जिसके लिए अभी हम लोग आज बात कर रहे हैं। ई की वैल्यू कितनी है, डी फाइव बाई डी टी, और आई की वैल्यू ई डिवाइडेड बाय आर, तो ये बच्चों कितना आएगा, वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी। अब इन तीनों रिलेशन को अगर आप देखो तो इन तीनों रिलेशन में अभी हम लोग कहते हैं टाइम वाला फैक्टर, टाइम वाला फैक्टर सिर्फ इसमें ई और आई में आ रहा है, तो अभी हम लोग बोलते हैं इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट, ये जो जिस एक्सपेरिमेंट की अभी हम लोगों ने बात की थी फैराडे ने, कि अगर आप किसी मैग्नेट को किसी कॉइल की तरफ चलाओगे तो इसमें एक करंट इंड्यूस होगा, एक ईएमएफ आएगा या चार्ज फ्लो करेगा, तो इसमें बच्चों अभी हम लोग ये कहते हैं इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज लार्ज, इफ दिस इज लार्जर देन वी से दैट द टाइम विल बी स्मॉलर। तो टाइम वाले फैक्टर पर क्या चीज डिपेंड कर रही है, ई और आई डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग इसमें ये बोल रहे हैं कि इफ द रिलेटिव स्पीड बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट इंक्रीजेस, तो क्या होगा बच्चों, इसमें टाइम डिक्रीज होगा, और टाइम अगर डिक्रीज होगा बच्चों तो क्या बोलेंगे, टाइम अगर डिक्रीज होगा तो ई एंड आई विल इंक्रीज, ई एंड आई विल इंक्रीज, बट डेल्टा क्यू द चार्ज विच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट विल रिमेन सेम, डेल्टा क्यू विल रिमेन सेम, डेल्टा क्यू सेम रहेगा। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट, सपोज टाइम वाला फैक्टर अभी हम लोग देखें, तो टाइम वाले फैक्टर पर क्या क्या चीज डिपेंड कर रही है बच्चों, टाइम वाले फैक्टर पर ई और आई डिपेंड कर रहा है, तो इंड्यूस करंट जो है, इंड्यूस ईएमएफ डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कॉइल, इसमें अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है नेचर ऑफ द कॉइल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, कैसे, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस वाला कोई टर्म नहीं है, तो अब हम लोग ये लिख रहे हैं ई डज नॉट डिपेंड ऑन ऑन आर द नेचर ऑफ द कॉइल। फिर इसके बाद ये सारे रिलेशन इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, एक ये था डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन आर, और आई की वैल्यू वन अपॉन आर डी फाइव बाई डी टी, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, ऐसा कुछ। सो दीज वर दी थ्री रिलेशन, इनके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन अभी हम लोगों ने लिख लिए, और फिर इसमें अभी हम लोग ये कह सकते हैं देखना, ई एंड आई these are directly proportional to the relative speed, इसी फैक्ट को अभी हम लोगों ने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद induced current जो है बच्चों, induced current जो है resistance के ऊपर डिपेंड कर रहा है, I and delta Q depend on the nature of the coil, यानी कि रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चे। तो अब ये था रिलेशन किसका, चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट, और चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट जो है सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दिस जस्ट डिपेंड्स ऑन डेल्टा क्यू डिपेंड्स ऑन व्हाट द चेंज इन फ्लक्स, द चेंज इन फ्लक्स एंड द नेचर ऑफ कॉइल,
सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. नेचर ऑफ कॉइल अगर अभी हम लोग लिख रहे हैं मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस है, मतलब. सो दिस कंप्लीट्स व्हाट द टॉपिक द चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट कर रहे हैं, क्या? एडी करंट्स. तो एडी करंट्स क्या बच्चों, अभी हम लोगों ने इसमें ये बोला था कि इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि इंड्यूस्ड करंट जो जनरेट किया था वो किसके कारण जनरेट किया था, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स. इंड्यूस्ड करंट वर जनरेटेड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स. अब चेंज इन फ्लक्स कैसे आता है बच्चों, चेंज इन फ्लक्स मतलब फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी इनटू ए इनटू कॉस थीटा. तो या तो आप इसमें बी चेंज कर दीजिए या फिर ए चेंज कर दीजिए या कॉस थीटा. और इसमें जो इंड्यूस्ड करंट था उसको अभी तक एक वेल डिफाइंड सर्किट मिलता था. वेल डिफाइंड सर्किट मतलब आपने एक सर्किट लिया था, जैसे अभी हमने मोशनल ईएमएफ में एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया था या फिर कोई सर्कुलर कॉइल ले लीजिए वेल डिफाइंड पाथ से. अब हम लोग अगर कोई मेटालिक ब्लॉक ले लें बच्चों, ध्यान से सुनना, मतलब अभी हम लोग एक इफ यू आर टेकिंग अ बल्क पीस ऑफ कंडक्टर और अ मेटालिक ब्लॉक एंड इफ दिस इज सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. आपने इसको एक ऐसे रीजन में रख दिया जहां पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, तो क्या होगा, इसमें एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा और इंड्यूस ईएमएफ जो आएगा उसके कारण करंट जनरेट होने चाहिए, तो करंट जनरेट भी होते हैं. लेकिन ये करंट जो है इनको कोई वेल डिफाइंड पाथ तो मिलता नहीं है, तो इसको सरफेस पर जैसे भी पाथ मिलते हैं या जो भी रास्ता मिलता है उस पर करंट फ्लो करने लगते हैं. सपोज इफ यू आर हैविंग अ मेटालिक ब्लॉक, ये कोई मेटालिक ब्लॉक है एंड इफ दिस इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपने इसको किसी वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो क्या होगा, इसमें करंट जनरेट होंगे और करंट कैसे जनरेट होंगे, इनको कोई वेल डिफाइंड पाथ तो है नहीं, तो भाई इसको जहां रास्ता मिलेगा सरफेस पे या सरफेस के अंदर या कहीं पर भी जैसा रास्ता मिलेगा वैसा वो फ्लो करने लगेंगे. एंड द टाइप ऑफ करंट और द ज्योमेट्री ऑफ द करंट विल बी सिमिलर टू द एडीज विच आर जनरेटेड इन वॉटर. पानी के अंदर जो ऐसी एडीज जनरेट होती हैं जिनको भंवर बोलते हैं अभी हम लोग हिंदी में, जैसा वो शेप आता है बिल्कुल वैसी कुछ एडीज इसमें जनरेट हो जाएंगी. ये ऐसा जनरेट होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसमें इस मेटालिक ब्लॉक में जहां पर भी रास्ता मिलेगा वहां पर चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा. तो एडी करंट्स क्या है बच्चों, कि बल्क पीस ऑफ मैटर को अगर आप किसी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, ये अभी हम लिख दे रहे हैं एडी करंट्स की डेफिनेशन. एडी करंट इफ अ बल्क पीस ऑफ मैटर इज सब्जेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्लक्स, अ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स, देन करंट्स आर जनरेटेड along the surface on variable or multiple paths. Multiple मतलब बहुत सारे path, किसी एक जगह पर flow नहीं करेगा, इसमें जहां पर जिसको जो रास्ता मिलेगा charges का flow start हो जाएगा. On multiple paths which look like eddy on water surface,
and these currents are called what? Eddy currents. इनको बच्चों अभी हम क्या एडी करेंट्स बोल देते हैं. तो ये किसके कारण है, ये अभी हमने बता दिया कि भाई जब भी किसी मेटालिक ब्लॉक में या बल्क पीस ऑफ मैटर को अगर आपने उससे एसोसिएटेड फ्लक्स को अगर आपने चेंज किया तो क्या होगा, उसमें जहां पर भी उनको रास्ता मिलेगा वहां पर ये करंट फ्लो करना करने लगेगा. एंड यह वी से दैट देयर इज नो डेफिनेट पाथ, पाथ जो रहेगा नॉट डेफिनेट, इनका जो पाथ है बच्चों वो डेफिनेट नहीं रहेगा, मतलब ये कहीं पर भी हो सकता है. ठीक है, और इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं द सिस्टम इटसेल्फ सर्चेस फॉर द पाथ्स. हम लोगों ने वेल डिफाइंड पाथ नहीं दिए तो सिस्टम ने खुद अपना रास्ता ढूंढ लिया और इसकी वजह से क्या होगा, लोकलाइज्ड करंट्स जनरेट होंगे, है ना. अब इसमें देखो बच्चों, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए अभी हम लोग एक एक्टिविटी ले रहे हैं, इसमें देखना ये चीजें समझ में आएंगी आपको. सपोज इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, बच्चों एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया Which is generated by the two pole pieces suppose ye These are the two pole pieces. Just try to imagine, ये दो rectangular blocks हैं या ये दो pole pieces हैं और इसमें अगर आप एक metallic block को suppose एक metallic plate ले ली, यहां पर अभी हम लोगों ने एक metallic plate ली और इसको धागे से बांधकर अभी हम लोगों ने इसके अंदर ऑसिलेट कराया. ये दो पोल पीसेस हैं बच्चों, ये दो पोल पीसेस सपोज दिस इज द साउथ पोल एंड दिस इज द नॉर्थ पोल. अब इस मेटालिक प्लेट को अगर आपने इन दो मैग्नेटिक पोल पीसेस के बीच में ऑसिलेट कराया तो अभी हम लोग देखेंगे द स्विंगिंग ऑफ दिस और द ऑसिलेशंस विल स्टॉप विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम. ये अभी हम लोग कहते हैं दिस इज ड्यू टू एडी करंट्स, है ना. अब एडी करंट्स क्या है, करंट्स विच आर जनरेटेड ऑन इन द सरफेस ऑफ द प्लेट. अब इसके अंदर क्यों जनरेट हो रहे हैं ये भी चीज समझने की कोशिश करो. सपोज ये मेटालिक प्लेट को आपने विदाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कराई है, दिस विल ऑसिलेट, ये ऐसा कुछ ऑसिलेट करेगा और सपोज इसके ऑसिलेशन फ्रिक्शन के कारण धीरे धीरे कम होते होते द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड सपोज द ऑसिलेशन स्टॉप कंप्लीटली इन टू मिनट्स, द ऑसिलेशन स्टॉप कंप्लीटली इन टू मिनट्स. अब क्या किया आपने, दो पोल पीसेस लगा दिए, ये पोल पीसेस ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है और इसको अब ऑसिलेट कराया तो अभी हम लोग देखेंगे दैट These oscillations will stop in 30 minutes, 30 seconds. ये जो 2 मिनट तक oscillations चल रहे थे वो oscillations अब 30 seconds में रुक जाएंगे. अब इसका रीजन क्या है, जैसे ही ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, जैसे ही ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगी तो एंटर करते समय अभी हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज चेंज होगा, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा होता है. अभी तो पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है लेकिन जैसे ही ये अंदर आएगा द एरिया विच इज लाइंग इनसाइड द फील्ड विल इंक्रीज और एरिया अगर इंक्रीज होगा तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा मतलब इसमें करंट आएगा एंड करंट विल ट्राई टू अपोज द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट, ये उसको अपोज करेगा लेकिन इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जिसके कारण ये अंदर आ जाएगा. फिर इसके बाद क्या होगा बच्चों, ये अगला फेज आएगा
Now, at this point, this is the stage when this is coming out. ये जब swing करके ऐसा कुछ आएगा, तो this will be moving, this will be tending to move out. और जब ये इसमें से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलते समय भी क्या होगा? इसमें flux change होगा. Flux कैसा change होगा? Area which is lying inside the field. जो हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाई कर रहा था वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो हिस्सा लाई कर रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगी. फ्लक्स डिक्रीज होगी मतलब एक ईएमएफ आएगा, ईएमएफ की वजह से करंट आएगा, और करंट को आपने कोई सर्किट तो दिया नहीं, तो क्या होगा, इन करंट्स को जहां पर भी रास्ता मिलेगा वो उसमें फ्लो करने लगेंगी. और ये जो भी रास्ते पर फ्लो करना, इसको अभी हम लोग एडी करंट बोलते हैं. मतलब इसको चार्जेस के फ्लो को जो भी कन्वीनियंट रास्ता मिलेगा और जितने भी रास्ते मिलेंगे उनमें फ्लो करने लगेंगे. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर करंट फ्लो करे, बहुत सारे लोकलाइज्ड आपको करंट्स मिलेंगे, एंड दीज विल बी टर्म्ड एज एडी करंट्स. और करंट जो इंड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द लेंज़ लॉ अपोजेस द कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज जनरेटेड. तो कॉज क्या है बच्चों? इस प्लेट का अंदर आना, तो प्लेट को अंदर नहीं आने देगा, मतलब इसको रोकेगा. और दूसरा कॉज क्या है? इसका बाहर जाना, तो बाहर नहीं जाने देगा. अब सोचो, अब ये अगर अंदर की तरफ एंटर कर रहा है तो इसको ये रोक रहा है, जब ये बाहर निकल रहा है तो भी इसको रोक रहा है. मतलब क्या करेगा? इट विल अपोज द मोशन ऑफ द प्लेट, और मोशन को अपोज करेगा. ये हमें कैसे पता चलेगा? अगर ये फ्रीली ऑसिलेट कर रहा था, देन दिस वॉज कमिंग टू रेस्ट इन 2 मिनट्स. नाउ विद द हेल्प ऑफ दीज टू मैग्नेटिक पोल पीसेस, अभी हम लोग देखेंगे, हो सकता है ये विदिन 30 सेकेंड्स ये रेस्ट पर आ जाए. तो ये एक्टिविटी अभी हम लोगों को क्या बताती है कि इसमें कुछ लोकलाइज्ड करंट जनरेट हुए, और लोकलाइज्ड करंट जो जनरेट हुए उनका डायरेक्शन कैसा रहेगा? उनका डायरेक्शन विल बी सच दैट इट विल अपोज द कॉज, एंड द कॉज इज व्हाट? द मोशन ऑफ द प्लेट इन एंड आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. ये अंदर की तरफ आ रहा है और बाहर निकल रहा है, दोनों मोशंस को ये अपोज करेगा. और इसमें बच्चों ये चीज ध्यान देना कि जब ये अंदर आ रहा है तो जो करंट आएगा, और जब ये बाहर निकल रहा है तो करंट आएगा, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस के रहेंगे. हमने क्या बोला, अच्छे समझना, व्हेन दिस इज एंटरिंग इनटू द फील्ड, व्हेन दिस इज एंटरिंग इनटू द फील्ड, एंटरिंग इनटू द फील्ड, इसमें जो करंट का डायरेक्शन आएगा, सपोज एंटी क्लॉकवाइज है. व्हेन दिस इज लीविंग, दिस प्लेट इज लीविंग द फील्ड, तब इसका डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है वो कैसा? क्लॉकवाइज आएगा. तो करंट का जो डायरेक्शन आएगा दैट विल बी ऑपोजिट इन बोथ द केसेस. कौन सी दो केसेस? व्हेन इट इज एंटरिंग और लीविंग. तो अब हम लोगों को क्या पता चल गया बच्चों, फ्री ऑसिलेशंस में इट वॉज स्टॉपिंग इन 2 मिनट्स. नाउ वॉट हैज हैपेंड? यू हैव अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लोकलाइज्ड करंट्स विल बी जनरेटेड. लोकलाइज्ड करंट इसमें जनरेट हुए, और किस डायरेक्शन में जनरेट हुए ये अभी हम लोगों ने नहीं डिस्कस किया, लेकिन अभी हमने ये बता दिया कि किसी एक पर्टिकुलर एडी का जनरेशन नहीं होगा, देयर विल बी मेनी लोकलाइज्ड करंट्स व्हिच विल बी जनरेटेड, है ना. तो अब इससे, इसके अभी हम लोग बोलते हैं बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, है ना. अब इसमें अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इसमें अब कुछ स्लॉट्स बना दिए, ऐसे कुछ, वी आर मेकिंग सम स्लॉट्स. अब इस प्लेट को फिर से ऑसिलेट कराया, लेकिन किस कंडीशन में ऑसिलेट कराया कि आपने इसमें कुछ ऐसे स्लॉट्स बना दिए. अब हम लोग इसमें ये देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, क्योंकि जो भी चीज अभी हम लोग एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं तो उसके रिजल्ट्स भी देखते हैं, है ना. तो रिजल्ट क्या आया बच्चों, इसमें रिजल्ट ये आया कि जैसे ही आपने ये स्लॉट बनाए और इनके ऑसिलेशंस कराए, तो ये 30 सेकेंड तक जो ऑसिलेट कर रहा था, अब हो सकता है ये 90 सेकेंड तक ऑसिलेट करे. मतलब क्या हुआ, अब इसमें अभी हम लोगों ने बोला जो ऑपोजिशन था, किसका ऑपोजिशन? Opposition to the movement of the plate between the magnetic field, वो opposition कम हो गया. इसमें अभी हम फिर से इस fact को explain कर रहे हैं.
जब अभी हमने बोला था कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, आपने इस प्लेट को ऑसिलेट कराया तो ये 120 सेकंड्स ऑसिलेट की रेस्ट पर आ गई। फिर आपने क्या किया, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दी। अब मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से हम लोगों ने बोला ये इनटू द मैग्नेटिक फील्ड एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करने की टेंडेंसी है ना, इसके कारण इसमें एडी करंट्स आएंगे और एडी करंट जो है उस कॉज का अपोज करेंगे। कॉज क्या है, अंदर आना तो अंदर नहीं आने देगा, कॉज क्या है बाहर निकलना तो बाहर नहीं निकलने देगा, कुल मिलाकर ये इसके मोशन को रिटार्ड करेगा। कोई बहुत तेजी से अंदर आ रहा था तो आपने उसको रोक लिया थोड़ा सा, फिर ये बहुत तेजी से बाहर निकल रहा था उसको रोक लिया, तो धीरे धीरे इसके ऑसिलेशंस कम होते जाएंगे और ये 30 सेकंड्स में रुक जाएगा। अब फिर स्लॉट्स कर दिए, स्लॉट्स करने के बाद अभी हम लोग ने ये देखा कि इसके ऑसिलेशन जो है पहले जितने तो नहीं बचे, 120 सेकंड तो नहीं कर रहे, लेकिन इतना कम भी नहीं होगा, 30 सेकंड तक नहीं। दीज विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट अप टू 90 सेकंड्स, मतलब ये जो एडी करंट्स के कारण इस मोशन का ऑपोजिशन था वो कम हो गया। तो अब हम लोग इसका रीजन भी एक्सप्लेन करते हैं। हम लोगों ने ये बोला था कि जैसे ही इस प्लेट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहे हो या बाहर निकाल रहे हो तो इनके अंदर करंट आ रहा है और करंट जो है इसके मोशन को अपोज करेगा, ये भी बता दिया। लेकिन जब आपने स्लॉट्स कर दिए तो क्या होगा, इनको जो रास्ते मिल रहे थे चार्जेस को चलने के, चार्जेस को मूव करने के जो पाथ्स मिल रहे थे वो कम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपने बीच में क्या कर दिया, कट लगा दी, है ना। सो इफ यू आर मेकिंग सम स्लॉट्स एंड अलाउइंग दिस प्लेट टू ऑसिलेट, देन वी से दैट द पाथ्स विच आर प्रोवाइडेड टू द एडी करंट्स डिक्रीज, और इसकी वजह से अभी हम लोग बोलेंगे जो ऑपोजिशन आएगा वो कम होगा एंड दिस प्लेट विल कंटिन्यू टू ऑसिलेट फॉर अ लार्जर टाइम। तो अब हम लोग इसमें बच्चों क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो, इसमें इसको एक तरीके से और समझा सकते हैं, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इसके अंदर इंड्यूस होगा दैट विल बी गिवन बाय आई ए। इस प्लेट के अंदर बच्चों अगर आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो इंड्यूस होता है उसको अभी हम लोग आई इंटू ए बोलते हैं, और ये जब आपने कट लगा दिए तो क्या हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया, और एरिया डिक्रीज हो गया मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हुआ है वो कम हो जाएगा। तो अब हम लोग इसमें ये बोलते हैं बच्चों एडी करंट्स का इफेक्ट अगर आपको कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ स्लॉट्स बना दें, है ना। एक और तरीका क्या है कि आप इसके लैमिनेशंस कर दें। लैमिनेशंस मतलब अगर आपने ये एक मेटालिक ब्लॉक लिया बच्चों, है ना, इसको अगर आप डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड में रख दें या ऑसिलेट कराएं या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो इसके अंदर एडी करंट्स आएंगे, जहां जहां पर रास्ता मिलेगा वहां पर आएंगे। अब आप क्या करो, ये मेटालिक ब्लॉक लेने की जगह आप इसके पतले पतले ऑसिलेशंस वो ले लो, सॉरी लेमिनेशंस, ऐसे कुछ लेमिनेशंस, तो ऐसा लेमिनेशंस प्रोवाइड करने में फायदा क्या है बच्चों, ऐसे पतले पतले लेमिनेशंस प्रोवाइड करने में हमें ये फायदा है कि जो रास्ता एडी करंट्स को मिल रहा था वो रास्ता आप प्रोवाइड नहीं कर रहे, और इन लेमिनेशंस को आप एक दूसरे से इंसुलेट कर दो बाय इंसुलेटिंग मटेरियल विच इज टर्म्ड एज लैकर। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, बहुत पतले पतले लैमिनेशंस कर दिए, लैमिनेशंस के बीच में अभी आपने ये इंसुलेटिंग मटेरियल लगा दिया, है ना। तो एडी करंट्स जो हैं हम लोग कहते हैं कई जगह पर अनडिजायरेबल है, क्योंकि अगर आपने मेटालिक ब्लॉक को कहीं पर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ी, कहीं पर कोई मेटालिक ब्लॉक है और उस मेटालिक ब्लॉक पर अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड आई तो फ्लक्स आएगा, और फ्लक्स अगर चेंज होगा तो उसके अंदर करंट आएंगे, और चूंकि ये मेटालिक ब्लॉक था तो करंट बहुत ज्यादा आएगा, करंट बहुत ज्यादा आएगा मतलब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी। तो कहीं कहीं पर बच्चों ये अनडिजायरेबल है ना। तो इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि इनको एडी करंट्स को कम करने का अभी हमने तरीका बताया है कि आप लैमिनेशंस ले लेंगे, है ना। और कहीं कहीं पर अभी हम लोग इसका एडवांटेज भी लेते हैं, नुकसान तो है इसका, नुकसान क्या है कि भाई ये अनवांटेड है, अनडिजायरेबल है, क्योंकि ये हीट जनरेट करता है, हीट जनरेट करता है मतलब हीट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई स्क्वायर। अब आप क्या करोगे बच्चों, आई को डिक्रीज करोगे, आई को डिक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, लैमिनेशंस ले लिया, ठीक। अब कहीं कहीं पर एडी करंट्स आर यूज्ड
for some advantages. कहीं कहीं पर अभी हम लोग इसको कुछ एडवांटेजेस के लिए यूज कर लेते हैं. अब एडवांटेजेस कैसे हैं बच्चों? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड है. भाई कोई अगर आपने किसी कॉइल में करंट पास किया तो उस और सपोज यू आर हैविंग दिस कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा और इसमें करंट पास किया. जैसे ही आप किसी कॉइल में करंट पास करेंगे और ये मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा हुआ है तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये अभी हमें मालूम है. और इस टॉर्क के कारण बच्चों क्या होगा, द कॉइल विल रोटेट. दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनोमीटर. कि भाई आपने किसी कॉइल को, किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा और जैसे ही आप करंट पास करोगे तो टॉर्क काम करेगा और टॉर्क की वजह से वो रोटेट होगा. और हम लोग ये बोलते हैं कि ये रोटेशन जो है दिस विल प्रोड्यूस सम ऑसिलेशंस. मतलब गैल्वेनोमीटर में जो पॉइंटर लगा पता चला वो बहुत देर तक ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा. तो आपको इसके वाइब्रेशंस अगर रोकने हैं तो किस चीज का यूज कर सकते हैं? हम लोग यूज कर सकते हैं एडी करंट्स का, है ना. तो एडी करंट यही करता था. तो एडी करंट्स कैन बी यूज फॉर एडवांटेज. और ये जो एडी करंट्स की मदद से किसी चीज के ऑसिलेशंस या मोशंस को रोकना है उसको अभी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, है ना. तो अभी हम लोग ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग का यूज करके अभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इसका फायदा लेते हैं. दूसरी चीज, अब हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फर्नेस. मतलब अगर आपको कहीं पर अगर अलॉयज का फॉर्मेशन करना है, कहीं पर अगर आपको अलॉयज बनाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? मेटल्स को मेल्ट करना है. अब मेटल्स को अगर मेल्ट करना है तो मेल्ट करने का तरीका क्या है बच्चों? इसको मेल्ट करने का तरीका यह है, आप मेटालिक ब्लॉक लिया और इसके चारों तरफ अभी हम लोगों ने कॉइल ले ली. इसके चारों तरफ जैसे सपोज यू आर हियर, यू आर हैविंग अ मेटालिक ब्लॉक और मेटालिक ब्लॉक को आपने एक कॉइल के अंदर रख दिया और उस कॉइल में आपने एक चेंजिंग करंट अप्लाई किया. और चेंजिंग करंट जो है बच्चों कौन सा है? अल्टरनेटिंग करंट. तो अगर आपने एसी अप्लाई कर दिया, एसी क्या है बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे. मतलब एसी जो है एक चेंजिंग करंट है और अगर आपने ये चेंजिंग करंट अप्लाई किया तो क्या होगा? इस मेटालिक ब्लॉक के अंदर एडी करंट जनरेट होंगे और ये एडी करंट जो है इसको मेल्ट कर देंगे. तो अभी हम लोग कहते हैं मेल्टिंग के लिए, मेटल्स को मेल्ट करने के लिए अभी हम लोग किसका, इस एडी करंट्स के प्रिंसिपल का यूज करते हैं. एक तो एडवांटेज अभी हमने बताया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग. और दूसरा एडवांटेज अभी हमने क्या बताया, दूसरी जगह इसको कहां पर यूज कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फर्नेस में यूज कर सकते हैं. तीसरी चीज मैग्नेटिक ब्रेकिंग, मैग्नेटिक ब्रेक्स में कहीं कहीं अभी हम लोग किसका, एडी करंट्स का यूज करते हैं. अब इसमें अभी हम लोग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं, मैग्नेट्स जो है रेल्स में लगा दी जाती हैं, जो फास्ट मूविंग ट्रेन हैं बच्चों उनमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रेल्स के थोड़ा सा ऊपर सेट कर दी जाती हैं और जैसे ही आप ब्रेक सप्लाई करते हो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो हैं बच्चों एक्टिवेट हो जाती हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स अगर एक्टिवेट हो गई, कोई चीज मूव कर रही है, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन मूव कर रही है. अब ट्रेन जब मूव कर रही है तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स अगर चेंज होगा मतलब करंट्स आएंगे और करंट्स क्या करेंगे, वो उस कारण का विरोध करेंगे जिसके कारण ये जनरेट हुआ. तो ब्रेक्स में अभी हम लोग किसका, एडी करंट्स का यूज करते हैं. तो बच्चों ये दिस इज ऑल अबाउट व्हाट एडी करंट्स है ना. अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दिस विल बी स्टार्टिंग ऑन द नेक्स्ट टर्म. दैट्स ऑल फॉर टुडे.